सो जिनको इंटरेस्ट होता है अपना घर खुद ही सजाने में और जो होम डिकोर आइटम है खुद ही बनाने में, उनको पता है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव आते हैं और जो क्राफ्ट सप्लाईज होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने ट्राई किया है उनकी रिप्लेसमेंट और उन्हीं रिप्लेसमेंट से मैंने बनाए हैं सारे DIY। सो आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिया है ये जो ब्राउन पेपर आता है, बहुत ही हमारे जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं वो बॉक्स में मिलता है हमको। सो ये सब आप फेंकिए नहीं, इसे आप संभाल के रखिए। सो इसे मैंने कुछ इस साइज़ में कट कर लिया है, लंबी लंबी स्ट्राइप्स, और उसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और थोड़ा पानी जैसे गीला करके उसको मैं थोड़ा सा पानी स्प्रे करके उसको मैं इस तरीके से रोल कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं इसको एक लुक देना चाह रही हूँ जो जूट रोप होती है उसका। सो ये जो पेपर होता है हम यूजुअली फेक ही देते हैं, सो इसका कुछ हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने उसके ऐसे बहुत सारे रोल्स बना के रख दिए थे और जो एक बॉक्स ले लिया था पुराना सा, जिनको मैंने जो पर्टिकुलर साइज़ है उसमें कट कर लिया था और अंदर मैंने एक रैपिंग पेपर लगा दिया था, और ऐसे बहुत सारे रोल्स है जो पेपर के रोल्स करके मैंने जो है उसे ग्लू गन से स्टिक कर दिया है। आप फेविकॉल से भी कर सकते हो। सो इस तरीके से आप उसको ट्विस्ट ट्विस्ट करके जो है ना उसको आप ग्लू गन से स्टिक कर दीजिए, जो आपका जो कार्डबोर्ड है उसके जो बॉक्स है उसके जो कवर कर लीजिए उसको पूरा। सो ये एग्जैक्टली आपको एक जूट रोप का ही लुक देगा, आप आगे देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से मैंने जो है उसको पूरा कवर कर लिया था, वही जो रोल्स बनाए थे मैंने पेपर के उसी से। बहुत इजीली बन जाएंगे, आपको उसको थोड़ा सा जो है पानी स्प्रिंकल करके उसको थोड़ा सा आप उसको रोल कर लीजिए। सो कुछ इस तरीके से मैंने जो है उसे पूरा कवर कर लिया है। आप इसके अंदर जो मैंने रैपिंग पेपर लगाया है आप उसके बजाय जो है सेम ब्राउन पेपर भी लगा सकते हो। सो इस तरीके से जो है वो अब दिख रहा है, देखिए ये आप एकदम वो जो है जूट रोप का ही लुक दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने लेस लगाई है, वो भी ग्लू गन से। आप ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लगानी है आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो कुछ इस तरीके से जो है मैंने उसे स्टिक कर दिया है। जो भी डेकोरेटिव आइटम है ये सारे वेस्ट है जो मेरे पास रखे हुए हैं, ये कोई भी मैंने खरीदे नहीं है। अभी ये जो पेपर के फ्लावर्स बनाए हैं मैंने रेड पेपर से, और इसे मैंने सिर्फ डेकोरेट करने के लिए इस पर स्टिक कर दिया। लीव्स और फ्लावर्स जो है ये पूरे पेपर से बने हुए हैं और ये खुद मैंने ही बनाए हैं। सो इस तरीके से आप थोड़ा डेकोरेट कर लीजिए, आपको जैसे फ्लावर आते हैं आप बना सकते हो। सो ये हमारा फर्स्ट जो है ऑर्गेनाइज़र या डेस्क ऑर्गेनाइज़र, या आप कुछ भी आप प्लांट भी लगा सकते हो। सो ये जो है फर्स्ट रेडी है, ये बिल्कुल ही आपको जूट रोप का जो लुक होता है वही देता है। सो ये ऑलमोस्ट जो है जूट रोप का रिप्लेसमेंट ही आप कह सकते हो इसे। सो सेकेंड हमारी DIY के लिए मैंने लिया है कार्डबोर्ड, जिनको मैंने सर्कल में कट कर लिया था, और एक मैंने टी लाइट कैंडल ली है और उसे मैंने मार्क कर दिया है एक कार्डबोर्ड पर, और उसे मैं क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से जो है निकाल लूँगी। जो भी मैंने साइज़ लिया था टी लाइट का उसको कट करके इस तरीके से और एक दूसरे से स्टिक कर दूँगी वो दोनों कार्डबोर्ड को। कार्डबोर्ड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। सो मैं तो इसे कभी नहीं फेंकती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए इसे संभाल कर रखने की, और फिर इसे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक सोल्यूशन बना रही हूँ जो है वाटर और ग्लू का, सेम क्वांटिटी में जो है फेविकॉल और पानी को आपको मिक्स करना है, और न्यूज़पेपर को छोटा छोटा पीसेस में कट करके आप उसको स्टिक कर दीजिए। फर्स्ट तो ये आपको MDF बोर्ड भी बना देगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। आपको पता है MDF बोर्ड जो होते हैं ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कार्डबोर्ड है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करने से आप MDF बोर्ड जो है वो घर पर ही बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने जो है ना पूरे कार्डबोर्ड पर इसको स्टिक कर दिया है पेपर पर।
अब ये मैंने लिया है एक रैपिंग पेपर जो बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर फ्लोरल पैटर्न में है, और इसको मैंने जो मिडल का जो उसका जो टी लाइट का एरिया था उसे कट कर लिया, और ये जो ग्लू और वाटर का सॉल्यूशन था वो ऊपर से उसको लगाकर जो रैपिंग जो पेपर था उसको मैंने स्टिक कर दिया। अच्छा, जो ग्लू का और जो वाटर का सॉल्यूशन है ये वर्क करता है एज अ मॉड पॉज। मॉड पॉज भी आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव आती है मॉड पॉज की बॉटल, बट ये जो वाटर और ग्लू का सॉल्यूशन है ये सेम वर्क करता है और उसका रिप्लेसमेंट है, और आप बिल्कुल ही इसे यूज़ कर सकते हो। अगेन जो रैपिंग पेपर है वो यूज़ कर रही हूँ मैं एज ए डेकोपाज, सो इस तरीके से मैंने उसे यूज़ किया है। ये डेकोपाज पेपर भी ऐसे जो फ्लोरल पैटर्न में आते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट एक जो पेपर होता है 100 रुपीज़ के ऊपर ही आता है। सो देखिए ये ऑलमोस्ट डेकोपाज पेपर का ही लुक दे रहा है, और ये हमारा जो टी लाइट होल्डर है रेडी है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। मैंने ऐसे दो बनाए हैं, एक सर्कल में एक स्क्वायर शेप में। आपके मनपसंद कोई भी शेप में इसे कट कर सकते हो, और आपके मनपसंद कोई भी जो भी रैपिंग पेपर है वो लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा है अगेन विद कार्डबोर्ड। सो ये जो है ना कार्डबोर्ड, ये जो कार्डबोर्ड का फर्स्ट जो लेयर है वो आपको निकालना है। सो ये निकालने के लिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सो वो जब थोड़ा नरम सा हो जाएगा ना तो ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ही ईजीली निकल जाएगा। सो ये एक कॉरुगेटेड शीट जो मिलती है ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, ये उसका रिप्लेसमेंट क्या, ये तो वही है। और फिर एक मैंने वेसा बॉक्स लिया है और इसके ऊपर मैं उसको वही साइज से कट करके मैं उसको ग्लू से स्टिक कर रही हूँ। ये नॉर्मल हमारा क्राफ्ट ग्लू है तो इससे ये आसानी से स्टिक हो जाएगा। ये जो शीट्स होती है ये भी काफ़ी महंगी आती है ऑनलाइन, और सो इसको आप बहुत इजीली कार्डबोर्ड से बना सकते हो, इसीलिए मैंने बोला है कि आप कार्डबोर्ड फेंकिए नहीं, उसके बहुत सारे यूजेस है। अब ये जब चारों तरफ मैंने लगा दिया फिर उस पर मैं डेकोरेट करने के लिए जो है लेस लगा रही हूँ उसकी चारों तरफ, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। सो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया, ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पर मैंने एक शीट लगा दिया था कोई स्टिकर का, और बस उस पर मैंने होम लिख दिया है, और ये हमारा जो है ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है। देखिए अब कितना ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो जो कॉरुगेटेड शीट है उसको आप कलर भी कर सकते हो, बट मैंने उसे ऐसे ही छोड़ा है। नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन वो ब्राउन जो पेपर था वही, और उसको मैं कुछ इस तरीके से रोल कर रही हूँ। इसको आपको ट्यूब बनाना है थोड़े से थिक, इसमें जो स्क्यूवर से थोड़े जो और मोटे आते हैं डॉवल्स जिसे बोलते हैं, ऐसे बनाने हैं, और ये उसी का रिप्लेसमेंट है। सो इस तरीके से मैंने एक ट्यूब ले लिया है, कार्डबोर्ड का ही था जो हमारे सिल्वर फॉइल में से निकलता है, जब सिल्वर फॉइल ख़त्म हो जाती है ये वही है। और जो सारे जो डॉवल्स मैंने बनाए थे पेपर से उसे मैं एक के बाद एक आजू बाजू में स्टिक कर रही हूँ ग्लू गन से। सो ये जो DIY है काफ़ी जगहों पर आपने देखा होगा ऑनलाइन, और ये बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। बस ये इतना ही था, और बहुत इजीली बन जाएगा, और आपको किसी भी क्राफ्ट मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी घर पे है उसी से बना सकते हो। सो आई होप आज के आइडियाज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।